सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सराय डिजिटल नेटवर्क। आई होप कि आप सब ये वीडियो अगर देख रहा होगा तो अपना घर से ही देख रहा होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहे, तो ज़्यादा कुछ हम लोगों के पास आजकल दिन में करने के लिए भी नहीं होता है। तो हमने सोचा कि थोड़ा मेरा यूट्यूब चैनल में ही थोड़ा सा मेरा कंट्रीब्यूशन दे देगा, जिससे आप लोग का भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और मेरा भी थोड़ा समय निकल जाएगा। तो उसी के चलते हम सोचा कि आप लोगों के साथ मेरा गाड़ी का एक कहानी शेयर कर देगा। और बाय द वे हम बता देगा कि हम मेरा गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। ये मेरा एक आदत है कि जब जब हमको बोरिंग लगते तो मेरा ये आदत है कि हम क्या करते हैं कि हम अपना गाड़ी में आके बैठ जाते हैं और यहाँ में गाना सुनते हैं। वैसे तो घर में भी स्पीकर से गाना सुनने के लिए, पर जो गाड़ी के अंदर बैठ के गाना सुनने में जो मज़ा है ना, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसमें एक बहुत अलग ही चीज़ है। तो हमने सोचा कि अगर हम गाड़ी में ऐसे बैठी रहे तो हम सोचा कि इसी गाड़ी से ले कर आप लोग को कहानी सुना देगा कि ये गाड़ी मेरे पास कैसे आया, कहाँ से लिया, कब लिया, कौन से साल में लिया, ये गाड़ी क्या है और ये गाड़ी के साथ मेरा क्या जर्नी है। तो वही हम आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए सोचा था। तो कहानी को हम ऐसे शुरू नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम आपके साथ ऐसे वर्चुअली कैमरा में बात करते रहेगा तो आपको भी बोरिंग लग जाएगा कि क्या बकवास कर रही है आदमी। मेरा शक्ल देख देख के शायद आपको बोरिंग भी लग सकता है। तो हम मेरे पास एक फुटेज था जब हम यहाँ से बोमदिला की तरफ गया था, जो बोमदिला अरुणाचल प्रदेश वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ जब हम गया था तो हमने मेरे गाड़ी में डैश कैम लगा के जो वीडियो को शूट किया था एक रास्ता लोग को। तो आप वही वीडियो को देख देख के साथ ही हम आप लोगों को मेरा कहानी भी नरेट कर देगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं अपने स्क्रीन में, वो जर्नी है फ्रॉम टेंगा मार्केट टू बोमदिला का। तो हम लोग कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा लेगा। तो मेरा जो गाड़ी है वो ह्यूंडई ग्रैंड आई 10 सेकेंड जनरेशन स्पोर्ट्स मॉडल है। ये गाड़ी मेरे पास आया था 18th अप्रैल 2019 को। उससे पहले भी मेरे पास एक ऑल्टो था जो पापा ने हमको दिया था, जिसको पापा ने 2006 में ख़रीदा था। एंड फ्रॉम 2006 टू 2018 मतलब लगभग पापा ने ये गाड़ी को 12 साल तक मेंटेन किया था। एंड पापा का वो सेकेंड कार था। इससे पहले भी पापा का एक कार था, वो मारुति 800, जिसको सब लोग जानते हैं द वेरी आइकॉनिक कार। वो कार हम लोग जन्म नहीं होने से पहले पापा के पास से था। वो कार का कलर जो ग्रीन था, जो आई गेस बहुत यूनिक था उस समय में। पापा ने, क्योंकि पापा के पास अभी दो कार हो गया, तो पापा को दोनों कार हैंडल करने थोड़ा मुश्किल हो रहा था। एंड चलाने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि हम भी उस समय बहुत छोटा था, तो इसलिए पापा ने वो कार को बाद में बेच दिया। तो उसके बाद 2017 को पापा ने अपने लिए एक अल्टरनेट गाड़ी ले लिया था, डस्टर, जो पापा का बहुत फेवरेट गाड़ी था, उसको पापा ने ले लिया। तो उसके बाद हमको ऑल्टो मिल गया। तो उस गाड़ी के साथ हमने बहुत वक्त बिताया। तो एंड आई हैड वेरी गुड मेमोरीज विद दैट कार। हमने उसके साथ बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। हमको जहाँ जाना था वो गाड़ी हमको ले के जाता था। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। सो अगस्त 2018 को पापा ने ऑल्टो को भी बेच दिया 1,25,000 में। तो जब पापा ने वो गाड़ी को बेचा तो हमको बहुत दुख लगा था, क्यों बोलने से वो ऑल्टो मेरा साथ एक अभी इतना समय से मेरा साथ है, बचपन से है। एंड अभी हमने इसको चलाया भी है, तो मेरे लिए वो मेरे कंपेनियन जैसे हो गया था, मेरा दोस्त जैसे हो गया था। तो पता नहीं शायद आप लोग के लिए गाड़ी क्या होता होगा वो तो हमको नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो गाड़ी मेरा एक दोस्त जैसे था, मेरा कंपेनियन जैसे था। तो जब वो गाड़ी को पापा ने बेच दिया तो हमको बहुत दुख लगा था। तो वो गाड़ी को पापा ने रूपा का एक आदमी को बेच दिया था, जिसको वो टैक्सी जैसे यूज़ करते थे। तो ये जान के हमको और गुस्सा लगा, क्योंकि जो गाड़ी को हम इतना प्यार करते, इतना पसंद करते, वो अभी हमको रूपा का एक टैक्सी स्टैंड में दिखाई देगा। तो हमको बहुत दुख लगा था ये चीज़ सोच के। बट पापा का डिसीजन था, क्योंकि पापा को भी पता है एंड वी ऑल नो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया है कि आप 15 ईयर्स से ज़्यादा एक गाड़ी को नहीं रख सकते। तो बेच दिया पापा ने वो गाड़ी को। तो वहाँ से थोड़ा मेरा मूड भी ख़राब हो गया था। तो उसके बाद अगस्त से ले कर मार्च तक मेरे पास कोई गाड़ी नहीं था। तो हमको कहीं भी जाना होता था, कोई टैक्सी में जाता था या मेरा चाचा का बाइक था बुलेट, उसमें चला जाता था। फिर भी जब भी हमको कहीं जाना होता था तो हमको बहुत एक लोनली फील होता था, क्योंकि जो मेरा गाड़ी के साथ जो बॉन्ड था वो अलग ही था। तो 15th अप्रैल 2019 के शाम को जब हम लोग डिनर खा रहा था, तब पापा आया एंड हम लोग को पूछा स्पेशली हमको कि तुमको अभी क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए ना बाइक चाहिए। तो उस समय मेरा जो फैमिली मेम्बर्स था, मम्मी, दोनों दीदी और बहन, सब ने गाड़ी के लिए सजेस्ट किया था, क्योंकि गाड़ी इज प्रैक्टिकल, उसमें हम लोग ज़्यादा आदमी जा सकते।
तो वही सोच के तब हमने भी सोचा कि हाँ ये डिसीजन ठीक है, तो हमने गाड़ी में फाइनलाइज रख दिया। तो फिर हमने पापा को पूछा था, पापा आपका बजट क्या है मेरा गाड़ी के लिए? तो पापा ने इतना खुल के तो नहीं बताया, बोला 4 to 5 lakhs के अंदर जो देखना है देख लो बोला। उस समय तो क्योंकि हमको गाड़ी के बारे में इतना पता नहीं था, तो मेरे दिमाग में सिर्फ दो गाड़ी आया था, एक था मारुति सेलेरियो और दूसरा था वॉक्सवैगन पोलो। बाद में हमको पता चला कि तेजपुर में वॉक्सवैगन पोलो का शोरूम नहीं है, तो इसलिए हम लोग ने उसको कैंसिल कर दिया। तो नेक्स्ट दिन पापा, हम, दीदी और बहन चारों निकल गया तेजपुर के लिए। पापा का मेन तेजपुर जाने का ये रीज़न था कि पापा का जो डस्टर का जो विंडस्क्रीन है वो क्रैक हो गया था, तो पापा उसको चेंज कराने जा रहा था। और हम और दीदी उस समय गुवाहाटी के लिए निकल रहा था, बट उसमें ऐसे भी डिसाइड हुआ था कि अगर गाड़ी हम लोग को मिल जाता है नया गाड़ी तो हम वापस आएगा, अगर नहीं मिलते तो हम वहाँ से गुवाहाटी निकल जाएगा अगर डिलीवरी डेट डिले हुआ तो। तो हम लोग निकल गए तेजपुर के लिए दिन का 12-1 बजे को। तो उस दिन तो हम लोग ने इतना कुछ नहीं किया। तो नेक्स्ट दिन 17 अप्रैल को हम लोग सब गया नगाँव बाईपास, जहाँ में रेनॉल्ट का एक सर्विस सेंटर है, वहाँ हम लोग गया तो पापा का गाड़ी का विंडस्क्रीन बनाने के लिए। तो वहाँ जाके पता चला कि विंडस्क्रीन के लिए हम लोग को वन डे, एक दिन गाड़ी को वहाँ छोड़ना पड़ेगा, तो हम लोग ने गाड़ी को वहीं छोड़ दी। उसके बाद वहाँ से हम लोग वापस तेजपुर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ गए। तो जब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में से ट्रैवल कर रहा था, तब हमने मेरा एक ऐप खोला था, कार देखो ऐप, उसमें हमने देखा था कि ह्यूंडई ग्रैंड आई10 बोल के एक गाड़ी है, उसको देखा था। तो उसका प्राइस भी हमने देखा तो ठीक ही ठाक लगा। तो हम टॉप मॉडल को तो हमने नहीं देखा क्योंकि हमको वैसे भी उसका टॉप मॉडल इतना पसंद नहीं आया था। फीचर्स को जब हमने कंपेयर किया था तो हमने उसका स्पोर्ट्स मॉडल को देखा, तो उसका भी उसमें भी फीचर्स आपको काफ़ी ठीक ठाक आ रहा था। तो हमने वो बात पापा को बताया। तो वहाँ से हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम लोग मिशन चराली में उतर गया। मिशन चराली से हम लोग गया सबसे पहले मारुति का शोरूम में, वहाँ में हम लोग ने गाड़ी को देखा। वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव था उसको हमने बोला था कि हमको सेलेरियो एक्स चाहिए, एंड वो भी कलर हमको चाहिए ग्रे कलर में। ग्रे हमको इसलिए चाहिए क्योंकि पापा का दस्तर का कलर भी ग्रे है, तो हमको उसी के साथ थोड़ा मैचिंग करना है, बल्कि हम बोला हमको ग्रे कलर में चाहिए। तो उस समय उसने बोला कि ग्रे कलर अवेलेबल नहीं है बोला। तो फिर भी हम लोग सोचा कि एक बार सेलेरियो को जाके देख लेगा। तो हम लोग ने जब सेलेरियो को जाके देखा तो उसका प्राइस जब हम लोग को बताया था वो था 6,35,000 समथिंग। तो जब हमने उस गाड़ी को देखा, गाड़ी हमको इतना पसंद नहीं आया क्योंकि उसका इंटीरियर इतना मज़ा नहीं था, एंड लाइक उसमें हमको एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं मिलना था, तो वो देख के पसंद नहीं आया गाड़ी। तो हम लोग वहाँ से चला गया। तो नेक्स्ट उसके बाद पापा हम लोग गया ह्यूंडई का शोरूम में, वहाँ के एग्जीक्यूटिव को बोला कि हमको ह्यूंडई ग्रैंड आई10 का स्पोर्ट्स मॉडल देखना है। तो गाड़ी देखा तो गाड़ी भी ठीक ठाक है, एंड इंटीरियर में आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी मिल जाता है, एंड आई गेस तर फीचर्स भी ज़्यादा अच्छा था कम्पेयर टू सेलेरियो। तो हमने वही गाड़ी को फाइनल किया। तो हमने उन लोग से पूछा कि हमको ह्यूंडई ग्रैंड आई10 का ग्रे कलर में चाहिए, तो आपके पास कब तक अवेलेबल होगा? तो उन लोग ने बोला कि इसके लिए आपको 1 week जैसा लगेगा वाला, 1 to 2 weeks, बट क्योंकि हमको गाड़ी थोड़ा जल्दी चाहिए था, तो हमने उन लोग को बोला कि अगर हमको कल तक ह्यूंडई ग्रैंड आई10 स्पोर्ट्स का स्टारडस्ट कलर मिल जाता है तो हम आपसे आके गाड़ी लेगा वाला। तो उन लोग ने हमको बोला चल आप आइए 10 बजे और गाड़ी ले जाइए। तो हम लोग ने वहाँ में थोड़ा एडवांस पेमेंट दे के हम लोग चला गए। मेन बात हमको गाड़ी इतना जल्दी एंड हड़बड़ी में क्यों चाहिए था बोलने से, एक तो हाँ मेरा एक्साइटमेंट था, दूसरा ये कि हमने बहुत वीडियोज़ देखा था कि लाइक शोरूम लोग क्या करते कि अगर वेटिंग पीरियड में उन लोग क्या करते कोई पुराना गाड़ी को उन लोग ने उस ड्यूरेशन में नया बना देते, तो वो चीज़ का हमको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी था, इसलिए हमने उन लोग को कल जैसे भी हमको गाड़ी चाहिए बोल के उन लोग को छोड़ दी। तो 18 अप्रैल का सुबह सबसे पहले तो पापा हम दोनों ने एक प्राइवेट टैक्सी हायर किया, वहाँ से हम लोग गया नगाँव बाईपास जहाँ में रेनॉल्ट शोरूम था, वहाँ से पापा का गाड़ी ले लिया एंड उसके बाद वापस तेजपुर आ गया। तेजपुर आके गाड़ी को होटल में पार्क करके वहाँ से फिर पापा, हम, दीदी और बहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मिशन चराली चलाइए। तो वहाँ से हम लोग ह्यूंडई शोरूम पहुँचा 11:30 को, एंड वहाँ में हम लोग चेक काट के उन लोगों को दिया गाड़ी का पेमेंट, जो आई गेस अराउंड 6,16,000 अप्रोक्सीमेट आप पकड़ लीजिए, 6,16,000 था। तो हम लोग पहुँचा ह्यूंडई शोरूम 11:30 बजे, चेक का कंफर्मेशन कॉल आया 3:30 बजे, एंड गाड़ी हम लोग को मिला
6:30 बजे, तो इतना लंबा वेटिंग पीरियड देख देख के जो वहाँ बैठ बैठ के जो एक जो गाड़ी लेने का जो एक्साइटमेंट होता है, जो खुशी का माहौल होता है, वो हम लोग डायरेक्टली गायब हो गया था, क्योंकि इतना देर रुक रुक हम लोग ही लाइक मूड ऑफ हो गया था, काइंड ऑफ मूड ऑफ ही हो गया था। तो फाइनली 6:30 में हम लोग को गाड़ी मिला, हम लोग ने जो प्रोसीजर होते है वो किया, जो फोटो खींचना होता है वो करके हम लोग गाड़ी ले गया। सो 19 अप्रैल को हम लोग घर के लिए निकला, एंड सबसे पहले घर जाने से पहले हम लोग ने दीदी को बस स्टेशन तक छोड़ दिया, वहाँ से वो गुवाहाटी के लिए निकल गया। फाइनली उस दिन हमको गाड़ी चलाने मिला, पापा आगे आगे दस्तर से लीड किया एंड हम पीछे पीछे पापा का गया। हम लोग का जर्नी था तेजपुर टू टेंगा, विच इज़ अराउंड 200 to 230 किलोमीटर। तो मेरा नया गाड़ी का हमको सबसे पहले ही दिन में हमको इतना लंबा ट्रिप चलाने मिल गया, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो वो गाड़ी जब हम चलाया ना, तो उसका हैंडलिंग भी इतना मज़ा था, एंड आई वॉज काइंड ऑफ लविंग दैट कार। तो हम लोग वहाँ से निकला 7:30 कैसे आसपास में, और हम लोग घर पहुँचा लगभग 2 बजे, क्योंकि हम लोग आराम से गया था इसलिए हम लोग को इतना टाइम लग गया। अदरवाइज जो अप्रोक्सीमेट टाइम लगता है एक्सपीरियंस ड्राइवर को, दैट इज़ 5 to 6 hours एट द मोस्ट। तो इस तरह हमको मेरा फर्स्ट गाड़ी मिला जो हमको पापा ने गिफ्ट किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। एंड सीरियसली ये गाड़ी भी मेरे लिए एक बहुत स्पेशल बन चुका है अभी, और 18 अप्रैल को हम दोनों अभी 1 ईयर कंप्लीट करने वाला है, और 18 अप्रैल को इसका बर्थडे है जिस दिन ये हमको मिला। और ये गाड़ी के साथ मेरा रनिंग हो चुका है 9,587 किलोमीटर्स। सो होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। हमको मालूम है कि ये गाड़ी बहुत पुराना है, और इस गाड़ी का भी एक नया वर्जन भी निकल चुका है, ग्रैंड आई-10 नियोस। फिर भी ये मेरा कहानी था, आपसे शेयर करने का मन था इसलिए हमने कर दिया। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम आप लोग को बताएगा कि ये गाड़ी में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इस गाड़ी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये गाड़ी अभी भी लेने लायक है या नहीं है, तो वो चीज़ हम आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो में बता देगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू द सरार डिजिटल नेटवर्क चैनल। Thank you, signing off, goodbye. Hello guys, hope you guys enjoyed the video. Don't forget to subscribe to the Sara Digital Network channel and also hit the bell icon. Also, follow us on Facebook and Instagram. Thank you, signing off.